आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रायपुर के टिकारा पारा थाना क्षेत्र में पुलिस टीम और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार किया। रविवार देर रात बदमाश राजा पैछाड़ ने पुलिस की टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की। गट्टा लॉक होने की वजह से फायर नहीं हो सका। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। घटना में एक पुलिस जवान भी घायल हो गया। बदमाश के पास से लोडेड कट्टा और चाकू बरामद किया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं रायपुर के टिकरापारा थाना में, जहां रायपुर के कुख्यात आरोपी राजा बैजा को कल रात्रि गिरफ्तार किया गया है। राजा बैजा वही आरोपी है जिसके ऊपर कई हत्या के आरोप लगे हैं, लूटपाट के हैं, मारपीट के हैं। 2017 की बात है, कोतवाली थाना क्षेत्र में इसे हत्या के आरोप में जेल भेजा गया था। जुलाई 2024 जुलाई इस समय यह पैरोल पे बाहर आया, लेकिन वापस यह जेल में जाकर इसने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके लिए कोतवाली द्वारा टिकरापारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और कल रात को टिकरापारा पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के द्वारा पुलिस के ऊपर मारपीट का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने अपना साहस का परिचय देते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। बताना चाहेंगे कि आरोपी के पास से चाकू और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। आज आरोपी से पूछताछ के बाद में पुलिस इसका खुलासा करेगी। हम यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे कि यह वही आरोपी है जो दो नंबर के काम करने वालों से, गांजा बेचने वालों से अवैध वसूली करता था। अब शाम को पुलिस के द्वारा इसके खुलासा करने के बाद आगे की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होगी। बने रहिए पुलिस वाला न्यूज पर। मयंक श्रीवास्तव, रायपुर, छत्तीसगढ़।